राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री करता हूँ भाई बहुत बहुत स्वागत आपका अपने चैनल ए बी कैब वाला के एकदम नए ब्लॉग में। और आज थोड़ा सा भाई ध्यान देने का ब्लॉग है, और खास करके नए ड्राइवर भाइयों के लिए। कई बार पुराने भी इस जंजाल में फंस जाते हैं, मगर ज़्यादातर 100 में से 80% ड्राइवर इस चीज़ का अगर कॉल आ गया है ड्राइवर के पास, तो उसको तो फंसना ही फंसना है, क्योंकि शिकंजा ही ऐसा कसा जा है ड्राइवर को के ऊपर चारों तरफ से, तो वो निकल नहीं पाता। तो भाई अभी लेटेस्ट ही एक घटना घटी है, एक अपने ड्राइवर भाई हैं हरीश, उनके साथ उनका खुद ही फोन आया था, इस बारे में पूरी डिटेल से बात हुई अपनी। और ये सेम वीडियो, इसी तरीके का वीडियो मैं करीब 1 साल पहले बना चुका हूँ, उसमें भी एक भाई के साथ ये घटना घटी थी। मगर हर रोज बहुत सारे ड्राइवर भाई जुड़ते हैं, उस पिछले 1 साल में तो बहुत सारे भाई ऐड हो गए हैं, शायद उनकी नज़र ना पड़ी हो उस वीडियो पे और वो भाई इन तरह की साजिशों का शिकार ना हो। इसी वजह से ये वीडियो आज मैं दोबारा शूट करके अपलोड करूँगा। और धन्यवाद एक तो सबसे पहले तो हरीश भाई का, जिनके ये सूचना दी मेरे को, और उन्होंने आगे से खुद ये बोला कि भैया इस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाना है, ताकि मेरे जैसे और ड्राइवर भाई इन साजिशकर्ताओं के शिकार ना हो। तो भाई होता ऐसा है, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी पोस्ट एरिया, वहाँ पे रात को 2 बजे हरीश भाई अपनी गाड़ी लेकर खड़ा होता है और बुकिंग आती है उनके पास गुरुग्राम के लिए। अब रात को कोई भी ड्राइवर भाई काम पे निकला है तो जाहिर सी बात है भाई आने दो बुकिंग, और वो भी गुरुग्राम की थी, अच्छे अमाउंट की बुकिंग थी, तो भाई पिकअप पे पहुंच जाता है पिकअप करने के लिए। और एक तो सबसे बड़ी बात इसमें, हरीश भाई हरियाणा का, और सामने जो कॉल बंदा कर रहा है वो फौजी आदमी, और हरियाणा का बंदा देश और आर्मी की बात आते बस कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाता है उन चीज़ों से। और भी भाई होते हैं, मैं हरियाणा का हूँ तो मैं अपनी फीलिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, तो आर्मी और देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही सजग हो जाता है हरियाणा का बंदा। तो भाई उधर से फौजी भाई बन के किसी ने फ़ोन किया, हाँ भैया हमें गुड़गांव जाना है और ऐसे ऐसे स्टोरी है हमारे पास ना, डॉक्टर को पैसा देने के लिए अमाउंट तो है फोन में, मगर हमारे फोन से इनके बारकोड पे स्कैन नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और आप, मैं एक बारकोड भेज रहा हूँ डॉक्टर साहब का, उनको पे कर देना। और मेरी बीवी अभी आ रही है डॉक्टर के पास, इमरजेंसी में दिखाने के लिए आए थे, उनको आप गुड़गांव छोड़ देना। तो भाई 2000 रुपये की शुरू में बात होती है, 2000 रुपये का मैसेज आ जाता है भाई के पास टक देसी, और कहते हैं भैया आप ये उनके अकाउंट में डाल दो, फिर मेरी मैसेज वहाँ से आ जाएगी, दवाई लेके वो काउंटर पे खड़ी है मेडिसिन लेने के लिए। तो भाई ने कर दिया, बस यहीं पे सबसे बड़ी चूक हो गई भाई हरीश से, अरे कत्ती सब बड़ा कांड हो गया। उन्होंने मैसेज देख लिया, जैसा कि अक्सर कई बार हम देखते हैं और हो जाता है, तो मैसेज आ गया 2000 रुपये का, भाई ने उस बार कोड पे कर दिया। तो भाई फिर से फोन आता है, फिर से भाई इसी तरीके से कर करके 3 बार में 5700 रुपये भाई के अकाउंट से उन्होंने निकलवा लिए। तो डाउट तो होना कन्फर्म है, हरीश के तो भाई पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, ये तो भाई आज कांड हो गया। तो तब जाके भाई ने अकाउंट चेक कराया, तो उसमें तो 5700 रुपये माइनस हो गया, प्लस तो 1 रुपया भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से भाई का 5700 रुपया दिन रात की मेहनत करके जो कि कमाया जाता है, वो पैसा फ्रॉड तरीके से ले लिया गया है। और बुकिंग तो जो ऑलरेडी खड़ा ही था वो तो कोई आना ही नहीं था, ये तो भाई रैकेट चलता है इनका। तो इस तरीके की घटनाएं मेरे ख्याल में जो वीडियो देख रहे हैं ना,
बहुत बहुत भाइयों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। अगर वो पैसे नहीं उन्होंने दिए तो मगर इस तरीके के कॉल जरूर भाइयों के पास आए हैं। तो भाई इसी वजह से ये वीडियो बनाया है ताकि सजग हो जाओ, सचेत रहो। इस तरीके के कॉल वगैरह अगर आपके पास आते हैं तो टोटली फ्रॉड होते हैं भाई। किसी भी बंदे पे पैसे के मामले में कोई भरोसा नहीं करना है। अगर मैं अभी कैश देता हूँ, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, मेरी वाइफ आ रही है, मेरी बहन आ रही है, मेरा चाचा आ रहा है, सब फ्रॉड होते हैं भाई, सब टोटली फ्रॉड होते हैं। और खास करके इसमें नए ड्राइवर भाई फंस जाते हैं। तो सारे नए ड्राइवर भाई और पुराने भी थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार ऐसी आंखों पे पट्टी बन जाती है, ध्यान नहीं जाता। ये बस इसी वजह से वीडियो बनाया। और हरीश भाई का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, अब उन्होंने मुझे प्रेरित करा, अब भाई दूसरे भाई जागरूक हों, उनके साथ ऐसी घटना ना घटे, उनका नुकसान ना हो, ये वीडियो बनाने के लिए। और भाइयों तक ये सूचना पहुंच गई, अब हो जाओ होशियार ताकि आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई कोई दूसरा ऐसे ना निकाल ले जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कर दो शेयर इस वीडियो ने, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बना है शेयर करना, क्योंकि जितना इसको ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जागरूकता ड्राइवर भाइयों में होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, सारे भाइयों ना भाई, राम राम।